गुलबर्गा शहर में आम आदमी पार्टी की बढ़ती मकबूलियत को देख हर आए दिन नौजवान आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आज गुलबर्गा सिटी पार्टी ऑफिस पर जिलानाबाद, मदीना कॉलोनी, मोमिनपुरा, रोजा एरिया, मिल्लत नगर, बुलंद प्रवास कॉलोनी इलाकों से उस्मान जलाल, मोहम्मद आरिफ, मुख्तदिर खान, मोहम्मद शुकुर, मोहम्मद सद्दाम के अलावा कुल 200 से ज़्यादा नौजवानों ने आम आदमी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। आम आदमी पार्टी सिटी प्रेसिडेंट सज्जाद अली इनामदार और दीगर पार्टी लीडर्स गुलबर्गा शहर में ड्रिंकिंग वाटर, रोड, ड्रेनेज और दीगर इश्यूज़ पर दिन रात काम कर रहे हैं। आने वाले 2023 MLA इलेक्शन में पार्टी को मजबूत करने के लिए नौजवानों को आम आदमी पार्टी में शामिल किया जा रहा है और नौजवान बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी से जुड़ते नज़र आ रहे हैं। आज हम सभी लोग आम आदमी की पार्टी में ज्वाइन हुए हैं क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं आम आदमी पार्टी और सज्जाद अली इनामदार साहब, जो पानी का मसला था 10 साल से हल नहीं हो रहा था, सज्जाद अली इनामदार साहब ने हल किया है उसको देखते हुए और आम आदमी पार्टी के अच्छे काम को देखते हुए आज हमें सब भाई लोग ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। हम सज्जाद अली इनामदार साहब के कंधे से कंधा लगा कर काम करेंगे दिन रात, इंशाअल्लाह नेक्स्ट MLA सज्जाद अली इनामदार साहब होंगे। गुलबर्गा शहर में फिजिकली आज एक दो से सवा 200 जो नौजवान हैं उसमें सीनियर्स भी हैं इस ऑफिस में आकर ज्वाइन हुए। फिजिकली दिल से जो है ना, ये तीन दिन में हजारों लोग आम आदमी में मैं हूँ बोल के अपने आप में वो क्या इम्प्लीमेंट कर लिए, क्योंकि हमने आम आदमी पार्टी ने जो गुलबर्गे का एक हिस्टोरिक यानी तारीखी मसला था जिसको कोई हल नहीं किए, बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी यहाँ से हुए, चीफ मिनिस्टर भी हुए, सब कुछ हुए, MLA हुए 40 साल से, नॉर्थ भी है, साउथ भी है, वो भी है। मैं पार्टी से बोलूँ तो जनता दल हो, कांग्रेस हो, BJP हो, ये तमाम लोग इख्तियार करें, कभी ये नहीं सोचे कि गुलबर्गा की हमारी शहरी 7 लाख आवाम, इससे पहले 10 साल पहले 5 लाख आवाम, इससे पहले 3 लाख आवाम, ये आवाम कैसा पानी पी रहे, कैसा जिंदगी बसर गुजर बसर कर रहे, इनका हाल क्या है, ये किसी के दिल में एहसास नहीं। मैंने पहले आम आदमी पार्टी में नहीं था, आज़ाद कॉरपोरेटर, इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर बना, इंडिपेंडेंट डिप्टी मेयर बना, उस वक़्त मैंने अहद कर लिया, आवाम की तकलीफ़ को देखा, गंदे पानी को चेक किया, उस पानी में हर चीज़ मौजूद है, पेशाब, पैखाना, एसिड, वो फला फला फला, सारे शहर का जितना भी गंदगी है वहाँ पर जाती है नाले के ज़रिए भीमा बैरेज में। तो ये नहीं मालूम हुआ, आप पढ़े लिखे नहीं थे, सियासत नहीं करे, बहुत कुछ करे लेकिन पानी का मसला नहीं करे, क्योंकि वो पानी का मसला इसलिए अटका रहा, गुलबर्गा के शहरी पानी पीने वाले बैरेज है दूसरे MLA के इसमें एरिया में, अफजलपुर के आज के अफजलपुर के MLA MI पाटिल के जो है ना हुदूद में आता है बैरेज, गुलबर्गा के शहरी जो है ना नॉर्थ के MLA और साउथ के MLA को जो वोट दिए हम लोग वो हम पीते हैं। अगर इनको उनको एहसास नहीं है किसको MY पाटिल को क्यों करेंगे वो एहसास, वो अफजलपुर के करेंगे, इनको एहसास करना था अपने क्षेत्र का, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसको अगर करोड़ों फंड हम यहाँ से हमारे फंड देंगे तो परसेंटेज उनको जाएगा, हमको परसेंटेज लॉस होगा। अरे भाई परसेंटेज के लिए आप सियासत करें, क्या डेवलपमेंट है गुलबर्गा बताइए। आज गुलबर्गा शहर, लातूर लीजिए, बीदर लीजिए, नया जिला लातूर कहाँ से कहाँ पहुँचा, कितना ब्यूटीफुल है, हर सहूलत है। आज हमारा शहर गुलबर्गा शहर नहीं है, ये देहात के माफिक है, कौन से रोड पर भी हम सीधे नहीं जा सकते, कौन सा रोड भी हमारे को खाली नहीं मिलता। सर पब्लिक का ये कैसा मिल रहा है आपको, रुझान कैसा मिल रहा है, रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? ये तीन दिन में
तीन दिन में जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, हमारी टीम जा रही, हमारे मोहसिन है, किरण है, हमारे शरण है, और हमारे दूसरे भी जो भी लोग जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की टोपी है, टोपी देखते बराबर बोल रहे, अरे आम आदमी पार्टी वाले पार्टी का पानी का मसला हमारा हल करे भाई, तुम्हारे को शुक्रिया बोल रहे हैं, इतनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और दिल से जो है ना आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का वादा कर रहे हैं। तो आज हमारी ये जीत है 7 लाख अवाम की। आज का दिन क्या गुलबर्गा सिटी ऑफिस में यूथ का ज्वाइनिंग हुआ, करीब 300 यूथ ज्वाइन हो गए। हाँ, आज हमारा सज्जाद अली साहब सिटी प्रेसिडेंट उनका नेतृत्व में और हमारा आम आदमी पार्टी यूथ के नेतृत्व में, उसमें यूथ प्रेसिडेंट नॉर्थ मुख्तार अहमद उनके नेतृत्व में हम और हमारा जलाल भाई उनका नेतृत्व में आज 300 यूथ ज्वाइन हुए। क्या सोच के ज्वाइन हुए? हम आम आदमी पार्टी करप्शन के अगेंस्ट फाइट करते, कॉरपोरेशन कमिश्नर को ऑलरेडी हम जेल भेजे सो हैं, माजी कॉरपोरेशन कमिश्नर शंकरप्पा वणिक्याल को रिश्वत लेते हुए, और कलबुर्गी लोगों का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व किए सो है, कई फाइट कर रहे हैं, PSS कैंप के लिए भी फाइट किए हम, पानी के लिए फाइट किए, कई मसले पे फाइट कर रहे हम, दिन रात एक करके आम आदमी पार्टी इधर कलबुर्गी नॉर्थ में जितना बोल के मेहनत कर रहे, मेहनत करते। आज यूथ्स क्या बोल रहे बोले तो, हम दिन रात, हाँ अभी इलेक्शन 9 महीना है, दिन रात काम करने हम रेडी है, कहाँ भी पोस्टर लगाना बोल रहे दो, कार्यक्रम करना, घर घर प्रचार करना, सब कुछ हम करने रेडी है बोल के 300 लोग ज्वाइन हुए। मैं शुक्र गुजार करना चाहता हूँ जलाल भाई को, उस्मान जलाल भाई को, क्योंकि उन्होंने गुलबर्गा नॉर्थ के एक बड़ा यूथ ज्वाइनिंग किया है ना, उसके लिए हम आम आदमी पार्टी और मेरा तरफ से मुख्तार अहमद के तरफ से मैं शुक्र गुजारिश करता हूँ। ऐसे ही काम हम तीनों यूथ मिलके करेंगे, नॉर्थ में एक बड़ा क्रांति लाएंगे और आम आदमी पार्टी को जिताएंगे बोल के मैं इतना बताना चाहता हूँ।